घूम रहा है। हाँ, शेर को इनकी बात
शेषाली दूसरा से कुएं में दिखाई दे रहा है। ये सोचकर शेर ने कुएं की किनारे पर से देखा तो उनको उनकी ही परछाई दिखाई दी। उनकी परछाई दिखाई देने के बाद वह गर्जना करने लगा, कौन है? सामने से आवाज आया, कौन है? ये सुनकर शेर को सही में लगा कि कुएं में और कोई शेर है। तो उनकी ही परछाई देखकर वह ऐसे नहीं सोचता कि मैं उनको मारने के लिए गिर जाऊं, लेकिन वह उनको मारने के लिए जैसे ही घुसा और वह कुएं में जाकर मर गया। तो छोटे से खरगोश की बात सुनकर शेर की भी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कहानी सुनने के बाद हमें लगता है कि कोई भी मनुष्य को कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं। तो ये कोई छोटे बच्चे जानकर, छोटे बच्चे को समझकर उनकी बुद्धि की ऐसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये दो कहानी आपने अच्छी तरह से समझी है। उसमें एक प्यासा कौवा वाली भी कहानी है। क्या है प्यासा कौवा वाली कहानी, आपने सुनी है ना? तो यह भी आपको अच्छी तरह से लिख लेना। जो कहानी लिखो उनका नाम अच्छी तरह से लिख लेना, लेकिन ये सारी की सारी कहानियाँ आपने सुनी ही होगी और आपकी मम्मी पापा की मदद से ये कहानी आपको व्याकरण रूप में लिखना पड़ेगा। इसे लिखना है व्याकरण रूप में। नमस्ते बालकों।